नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में। दरअसल इस इलाके से दो दिल दहला देने वाली घटनाएं हमारे सामने आई हैं। जी हां, एक ही दिन में इस कल्याणपुरी इलाके के अंदर अंदर दो युवकों के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया है। मैं आपको बता दूँ कि उनमें से एक युवक का नाम है मुकेश और दूसरे का नाम है चमन। सबसे पहले मुकेश की बात करते हैं। मुकेश जो है अपने परिवार के साथ कल्याणपुरी के 33 ब्लॉक में रहते हैं और उनके ऊपर जो है चाकू से हमला सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पे किया गया कि मुकेश ने अपने घर से बाहर जो एक पार्क है वहाँ पर कुछ जो युवक है वो बातचीत कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जिस पर मुकेश ने विरोध जताया और उन युवकों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुकेश के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जिसके बाद मुकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें GDB अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज अभी जारी है लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। लेकिन जैसा भी ये मामला सामने आया है, काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला है कि किस तरीके से एक ही दिन में कल्याणपुरी इलाके से दो दो मामले सामने आते हैं। अब दूसरे मामले की मैं बात करती हूँ। दूसरा मामला भी कल्याणपुरी से आया है लेकिन वो 11 ब्लॉक का मामला है, जहाँ पर 11 ब्लॉक में रहने वाले कल्याणपुरी में चमन नाम था उन शख्स का जिनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। उनके ऊपर हमला इसलिए किया गया कि चमन के कुछ दोस्त उनके घर पर पहुंचते हैं, लगभग तीन उनके दोस्त थे जो उनके घर पर पहुंचते हैं रात के समय, और उसके बाद वो चमन को नीचे बुलाते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो उनसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं शराब पीने के लिए, जिस पर चमन विरोध जताते हैं और वो मना करते हैं कि वो पैसे नहीं दे पाएंगे। और उस इतनी सी बात पर जो है उन्हीं के दोस्तों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर देते हैं। खैर, राहत की बात यह है कि चमन और मुकेश अभी दोनों ही सुरक्षित हैं, दोनों खतरे से बाहर हैं। लेकिन जो भी उनके ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें हैं इन दिनों कैसी नज़र आ रही है। आए दिन हम आपके लिए सामने ऐसी खबरें लेकर आ रहे हैं जहां पर जो है चाकुओं से हमला काफ़ी ज़्यादा आम हो चुका है। आपको बता दें कि ये दोनों मामले दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तफ्तीश में जुटी है। दोनों में से अभी तक किसी भी मामलों के जो है आरोपी पकड़े नहीं गए। पुलिस द्वारा भी उन्हें ढूंढा जा रहा है लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस कब उन आरोपियों को पकड़ती है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस द्वारा जो है CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ ले। लेकिन राजधानी दिल्ली से जो भी मामले सामने आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़ी करती है राजधानी दिल्ली की पुलिस पर, राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर। हर बार जो है हम आपके सामने यही बात करते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की कितनी ज़्यादा ज़रूरत अब इन दिनों बढ़ चुकी है। फिर चाहे वो मामला ले ले जो अभी कुछ एक दो दिन पहले आया था जिसमें दो बहनों के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया था, और तो वही साउथ कैंपस में मौजूद आर्यभट्ट कॉलेज के सामने एक छात्र के ऊपर हमला कर दिया गया था, तब भी जो है 24 घंटे के अंदर अंदर तीन मामले ऐसे आए थे। और अब दोबारा से दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से जो है इस तरीके के मामले सामने आए हैं। दो मामले एक दिन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। अब इसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार लोगों के मन में से जो है कानून का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्या लोग बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं? इसका जो कारण है वो अभी जो है कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है कि आखिरकार किस चीज़ पर जो है पुलिस को अब काम करने की ज़रूरत है। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की पुलिस द्वारा जो है इतनी ज़्यादा ढिलाई क्यों बरती जा रही है? आखिरकार आरोपी जो है इतने ज़्यादा बेखौफ क्यों हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या उनके मन में से जो है कानून का, सुरक्षा व्यवस्था का, हर एक चीज़ का डर खत्म हो चुका है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि कानून हमारा कमज़ोर है जिस वजह से वो अगर कुछ भी ऐसा मामला हुआ तो जो प्रोसेसिंग होगी इसकी बहुत ज़्यादा स्लो होगी, जिस वजह से जो आरोपी हैं वो उन अपराधों को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते और इस तरीके की जो घटनाओं को लगातार अंजाम देते जा रहे हैं? फिर चाहे वो कितने भी मामले हों, राजधानी दिल्ली से आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो सवाल फिर से यही है कि आखिरकार अपराधियों के मन में कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है, और आखिरकार राजधानी दिल्ली की पुलिस इस पर कुछ काम करती नज़र क्यों नहीं आ रही? क्यों जो है इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आरोपी बेखौफ होते जा रहे हैं लेकिन राजधानी दिल्ली की पुलिस द्वारा अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया जा रहा? अब आप भी हमें ज़रूर बताएं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली से इस तरीके के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या लोगों के मन में गुस्सा बढ़ रहा है इस वजह से, या फिर कानून को लेकर उन लोगों के मन से खौफ खत्म हो चुके हैं, या फिर ये दोनों ही वजह है? कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।